कंटेंट्स आरसी एजुकेशन हब्बानसुर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 विषय हिंदी, आज हमारा टॉपिक है वाक्य विचार। आज हम वाक्य विचार पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वाक्य की परिभाषा, कि वाक्य की परिभाषा क्या है। शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ऐसा कोई भी समूह जिसमें शब्द हों और वो सार्थक अर्थ प्रदान करें उसे हम वाक्य कहेंगे। जैसे मोहन खेलता है, यहाँ मोहन शब्द है और खेलता शब्द है, यहाँ दोनों शब्द मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, ये अपने आप में क्या कहलाएगा, वाक्य कहलाएगा। फिर से देखिए, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। दूसरा उदाहरण हमने लिया, गीता पत्र लिखती है, यहाँ शब्द मिलकर एक समूह का निर्माण कर रहे हैं, अतः यह भी अपने आप में एक वाक्य कहलाता है। तीसरा उदाहरण लिया हमने, सोहन खाना खाता है, तो यहाँ भी शब्दों का सार्थक समूह है जो क्या कहला रहा है, वाक्य कहला रहा है। इसके बाद आता है रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के भेद। देखिए, रचना या प्रयोग के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। पहला होता है सरल वाक्य, दूसरा होता है संयुक्त वाक्य और तीसरा होता है मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कहते हैं, संयुक्त वाक्य मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, अभी आपको बताया कि रचना प्रयोग के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। आइए हम सरल वाक्य पर चर्चा करेंगे कि सरल वाक्य किसे कहते हैं। सरल वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है, एक उद्देश्य होता है और एक विधि। सबसे पहले हम समझेंगे कि उद्देश्य क्या होता है और विधेय क्या होता है। देखिए, उद्देश्य किसी भी काम को करने वाला उद्देश्य होता है, कर्ता जो भी कार्य करता है वो होता है विधि। इन उदाहरणों के माध्यम से हम उद्देश्य और विधेय को अलग कर सकते हैं। पहला उदाहरण लिया, मोहन गीत गाता है। वाक्य में जिसके विषय में जो भी कुछ कहा जाता है वो वाक्य का क्या होता है, उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो होता है विधेय। या किसके बारे में कहा जा रहा है, मोहन के बारे में, कि गीत कौन गाता है, मोहन, तो ये मोहन जो है वो वाक्य का क्या कहलाएगा, उद्देश्य। अब मोहन के विषय में जो भी कहा जा रहा है ये क्या कहलाएगा, विधेय कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, गीता बाजार जाती है, यहाँ किसके विषय में कहा जा रहा है, गीता के विषय में, तो ये क्या कहलाएगा, उद्देश्य। और गीता क्या कर रही है, बाजार जाती है, ये क्या हो जाएगा, विधि। तीसरा उदाहरण इसी प्रकार से, सीमा लेख लिखती है, सीमा उद्देश्य है और लेख लिखती है विधि। लास्ट उदाहरण है, मोहिनी पुस्तक पढ़ती है, इसमें हम छाट सकते हैं, मोहिनी उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ती है क्या है, विधि। दूसरा भेद आता है संयुक्त वाक्य। अब तक हमने पढ़ा था सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं। संयुक्त वाक्य में एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य का मतलब होता है कर्ता, कि संयुक्त वाक्य में एक से अधिक कर्ता होते हैं जो संयोजक अव्यय, कौन कौन से, और, तथा, अथवा, एवं, अन्य, अन्यथा, इसलिए, किंतु, परंतु, बल्कि आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे मोहन और सोहन खेलते हैं, तो यहाँ संयोजक अव्यय हमने लिया और, जो दो स्वतंत्र उपवाक्य मोहन और सोहन को जोड़ते हैं। दूसरा उदाहरण है, गीता गीत गाती है तथा सीमा पाठ पढ़ती है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें संयोजक अव्यय क्या है। इसमें संयोजक अव्यय है तथा। तथा क्या करता है, एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। तो यहाँ स्वतंत्र उपवाक्य एक गीता है और एक सीमा है। मोहित बीमार है इसलिए वह विद्यालय नहीं आया। यहाँ हमने संयोजक अव्यय लिया इसलिए, जो एक से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करता है। तीसरे नंबर पर आता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य को मिश्रित वाक्य के नाम से भी जानते हैं। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो संयोजक अव्यय, की, जो, तो, क्योंकि, जब, तब, जिसका, जिसकी आदि द्वारा जुड़े होते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रधान उपवाक्य होता है तथा शेष आश्रित उपवाक्य होते हैं, जो संयोजक अव्यय, कौन कौन से, कि, जो, तो, क्योंकि, जब, तब, जिसका, जिसकी आदि द्वारा जुड़े होते हैं। जैसे
मोहन कहता है कि वह विद्यालय जाएगा। इस उदाहरण में सबसे पहले संयोजक अव्यय देखेंगे। संयोजक अव्यय है कि, प्रधान उपवाक्य क्या है और आश्रित उपवाक्य क्या है। मोहन कहता है, ये है प्रधान उपवाक्य। और वह विद्यालय जाएगा, ये है आश्रित उपवाक्य। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण, मैंने ऐसी गाय खरीदी है जो अधिक दूध देती है। इस वाक्य को ध्यान से देखें, मैंने ऐसी गाय खरीदी है जो अधिक दूध देती है। सबसे पहले हमें संयोजक अव्यय ढूंढना है। इसमें संयोजक अव्यय है जो। प्रधान उपवाक्य क्या है? मैंने ऐसी गाय खरीदी है, यह प्रधान उपवाक्य है। और जो के बाद में यह संयोजक अव्यय हो गया, अधिक दूध देती है, ये क्या कहलाएगा? आश्रित उपवाक्य। इस प्रकार से हमने पढ़ा रचना प्रयोग के आधार पर वाक्य, जिसमें पहला लिया सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य और तीसरा मिश्र वाक्य। आज के लिए इतना ही काफी है। कल हम पढ़ाएंगे अर्थ के आधार पर वाक्य।